कांग्रेस कर डाली 3 चरणों की घोषणा। बता दें कि कांग्रेस आगे निकलते हुए जा रही है, तो उन्हें 3 चरणों की घोषणा में कई विधायक भी शामिल कर लिए गए हैं। बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा 3 चरणों में बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। जिन नामों पर सहमति बनेगी उन्हें शामिल करते हुए प्रत्याशियों की पहली सूची सितंबर में जारी करेगी, यानी जारी हो चुकी है और भी 11-12 से जारी होने वाला है। इसके लिए 11-12 सितंबर को दिल्ली में बैठक कराई जाएगी बहुत भव्य, और प्रत्याशी चयन के लिए कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और पार्टी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सर्वे कराए जा चुकेंगे और जिला और प्रदेश पदाधिकारी से दावेदार को लेकर राजकुमारी भी वहाँ पर आएगी। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इसको लेकर रायशुमारी की जा रही है कि प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह और सहमति के सदस्यों ने स्पष्ट कर दी है, इसमें नए चेहरे को भी अधिक से अधिक मौका दिया जाएगा। तो देखने वाली बात है कि मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा यहाँ पे सियासी माहौल गरमाई हुई है और उसको लेकर स्क्रीनिंग कमेटी पर बार बार जारी किया जाएगा, जिसके लिए नारी योजना सम्मान भी निकाला गया है, जो कि 56 लाख से अधिक आवेदन भी भरवाए गए हैं। तो देखने वाली बात है कि 3 दिन में बैठक होने वाली है और उस बैठक में कांग्रेस बहुत ज़्यादा आगे निकलते जा रही है। तो इसको लेकर आपके मन में क्या सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं।